हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्टकट किचन। आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट गाजर का हलवा, जो कि 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। कोई भी मेहमान आने वाले हैं तो आप इसको झटपट से बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए जानते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए हमने एक पैन लिया है, इसमें हम 1 टेबलस्पून घी डालेंगे। और उसके बाद यहाँ पर मैंने गाजर ग्रेट करके रखा है, ये लगभग 700 ग्राम गाजर है घसा हुआ। तो इस आप देख सकते हैं कि इंस्टेंटली 5 मिनट में हमने गाजर घस लिया था और अब हम इसको इसमें डाल देंगे। इसको इसमें डालने के बाद हमें लगभग 2 मिनट तक इसको इस तरह से भूनना है। गैस बहुत कम पर नहीं रहेगा, मीडियम पे रहेगा, ताकि जो मॉइस्चराइज़र है इसमें वो निकल जाए। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे दूध। जब इस तरह का ये हो जाए 2 से 3 मिनट में, आप देखोगे ऐसा हो गया है, तो यहाँ पर हम डालेंगे 1 ग्लास पूरा भरकर दूध। हमें 1 ग्लास ही दूध लेना है, बहुत ज़्यादा दूध नहीं लेना है इसमें। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है दोस्तों, यकीन मानिए मेरा। यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा केसर, भीगा हुआ केसर रखा था मैंने, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। अब देखिए ये दूध डालने के बाद पकने लगा। यहाँ पर हम डालेंगे 1/2 कटोरी मिल्क पाउडर, कोई भी मिल्क पाउडर आप डाल सकते हैं। मिल्क पाउडर डालने से इसमें मावा का टेक्सचर आ जाता है तो, और हमारा गाजर का हलवा दानेदार भी बन जाता है। तो अब आप देखिए इसको डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम फुल गैस पर 5 मिनट तक इसको अच्छे से पकाएंगे। आप देख सकते हैं 5 मिनट में ही ये बिल्कुल आधा रह जाएगा, आधे से भी कम है ये, देखिए बिल्कुल थोड़ा सा दूध बचा है इसमें। यहाँ पर हम ऐड करेंगे मिश्री। आज हम शुगर का अल्टरनेट मिश्री यूज़ कर रहे हैं, जो कि हेल्दी ऑप्शन है। और आपको चाहिए तो शुगर या गुड़ भी आप इस जगह पे यूज़ कर सकते हैं, मगर आज हम हेल्दी बनाने वाले हैं तो हम यहाँ पर मिश्री का यूज़ कर रहे हैं। 1/2 कटोरी मैंने मिश्री डाला है, क्योंकि मिल्क पाउडर भी थोड़ा चीनी होता है, तो उसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अब आप अपने पसंद का थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा किशमिश डाला है और इलायची पाउडर डाला है फ्लेवर के लिए। इन सब को डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब देखिए टोटल हमें यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और 10 मिनट के बाद हमारा गाजर का हलवा इतना अच्छा पक चुका है। यहाँ पर मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट्स डाल दिया है, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास हो। मैंने यहाँ पर काजू बादाम डाल दिया है और अब आप देखिए और 3 से 4 मिनट में ये बिल्कुल सूख कर देखिए दानेदार इस तरह से रेडी हो गया है। टोटल हमें बनाने में इस हलवे को 20 मिनट ही लगता है, क्योंकि यहाँ पर हम मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बहुत ही फटाफट से बन जाता है। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर और टेक्सचर है। अब यहाँ पर हम गैस बंद कर देंगे और इसको कोई भी आप बर्तन में इसको सर्व कर सकते हैं निकाल के। मैंने देखिए इसको एक कांच के बाउल में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर बना है फ्रेंड्स, आप लोग इसको एक बार ज़रूर से बनाएं। और अब इसको आप कोई भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको पिस्ता कटिंग से गार्निश कर दिया है। तो हो गया ना दोस्तों 20 मिनट में फटाफट से डेजर्ट तैयार। तो इस विंटर सीज़न आप लोग इसको ज़रूर से बनाकर ट्राई करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मैं जो भी नई नई रेसिपीज़ या ट्रिक्स डालूँ वो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय, सी यू सून।